कल आपसे बताया था, बसू याद है लोग बसू में, कि आप एक बहुत सुंदर प्रकृति की रचना है। बहुत मेहनत से, नजाकत के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ परमात्मा ने आपको बनाया है। आप एक बहुत विशेष चीज, अनंत योनियों में से आप घटित होकर के इस मानव रूप में स्थित हैं। आप इसलिए इसकी महत्ता नहीं जान पाते क्योंकि यह सब आपको सहज में ही प्राप्त हुआ है। अगर इसके लिए मुश्किलें करनी पड़ती, आपसे उठानी पड़ती और आप इसको अपनी चेतना में जानते, आप अवेयर होते, तो आप समझ पाते कि आप कितनी महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य को जानना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों की, हम किस लिए संसार में आए और हमारा भविष्य क्या है, हमारा अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि अगर ये मशीन हम बनाए और इसको इस्तेमाल नहीं करें, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब तक ये मेन से लगाया नहीं जाता है, तब तक आप इसका उपयोग भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब तक आप अपने उस अनंत स्रोत के साथ संबंधित नहीं होते, जिसके बारे में अनेक साधु संतों ने वर्णन किया हुआ है, अनेक पुस्तकों में आपने जिसके बारे में सुना हुआ है कि अनंत शक्ति परमात्मा की सर्वव्यापी है और वो हरेक चीज का काम, हरेक चीज का संचालन, हरेक वस्तु की गति संभालती है। ये सुनी समझी हुई बात दूर की लगती थी, जब तक आप उससे संबंधित नहीं होते तब तक ये समझ में आने वाली नहीं। जैसे कि कल मैंने कहा था कि आत्मा को जाने बगैर आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपके टेलीफोन का कनेक्शन लगा नहीं और टेलीफोन आप इस्तेमाल कर रहे। जो कुछ आप धर्म के नाम पर आज तक करते रहे वो इसी तरह का अंधाधुंध काम रहा है। ये आपको समझ में आ जाएगा एक बार आपका कनेक्शन लगने के बाद। जब तक आपका कनेक्शन नहीं लगा है तब तक ये प्रश्न बना रहेगा। अब हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी व्यवस्था परमात्मा ने की है और किस मशीन के कारण, किस तंत्र के कारण हम उसको प्राप्त होंगे, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये विषय बहुत ही क्लिष्ट है। वास्तव में ये विषय तो तब बताना चाहिए जबकि आप पार हो जाए, इसके वक्त आपका कनेक्शन हो जाए। मानो ये कि आप अंधे हैं और आपसे मैं बताऊं कि ये ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर ये लाइट है और यहाँ पर इस तरह का रंग लगा है और इसका वातावरण बड़ा ही सुंदर है और यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, आप यही कहेंगे कि हमारे पास आंखें तो है नहीं, हम इसे कैसे जानेंगे। और हमारे लिए भी ये बड़ा क्लिष्ट होगा समझाना। जैसे कि इस कमरे की लाइट अगर जलानी हो तो आप एक सिर्फ स्विच ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन हो जाती। इसी प्रकार आपके अंदर भी कोई चीज ऐसी ही बनी हुई, पूरी तरह से तैयारी करके परमात्मा ने रखी हुई है, उसको जगाना मात्र है। जब आप आलोकित हो जाते हैं, जब इनलाइटन हो जाते हैं, तो सारी की सारी चीज आसानी से समझ में आती है। पर अगर ये लाइट जलाने से पहले ही मैं आपको लेक्चर देना शुरू करूं कि ये लाइट कैसी आई, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, इसका इतिहास क्या है, कैसे बना, तो सर दर्द हो जाता है। लेकिन आधुनिक मानव को सर दर्द लेने की आदत है, वो पहले चाहेगा कि पहले सर दर्द ले फिर उसको हटा। उसको कोई चीज आसानी से अगर मिल जाए तो वो बड़े आश्चर्य से पूछता है कि हमने तो पढ़ा है कुंडलिनी के बारे में, वो तो बड़ी मुश्किल चीज है, वो तो हजारों वर्ष में होती है, वो तो बड़ी मुश्किल चीज है और उसमें आदमी को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो इस पे इतना ही कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि हम इसके माहिर, हम इसे जानते हैं और कुछ विशेष बात हमारी है ही जिसके कारण हम इसे आसानी से कर देते हैं, और बहुतों का ऐसे हो चुका है। इतना ही नहीं, जब आपका भी अंतर्योग स्थापित हो जाएगा, जब आप भी इसे प्राप्त होंगे, तो आप भी दूसरों की जोत जला सकते हैं बहुत आसानी। तो बहुत से लोग हमने देखा है, खासकर इस बंबई शहर में,
पार होने के बाद फिर कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई आगे नहीं बढ़ते। इस बंबई शहर में एक तरह की इनर्शिया जड़वार इसको पकड़े हुए है। इसके बारे में मैंने कल कहा था, आप भी सब बंबई शहर में रहते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अति सूक्ष्म यह संवेदना है, अति सूक्ष्म घटना है। यह घटित होना आपकी पूर्व संपदा का फल है, जन्म जन्मांतर की चीज आप पा रहे हैं, इसको आप समझ लें और इसमें गतिमान। ये नहीं कि जहां के तहां पाया और खत्म कर दिया। और जब ऐसा होता है तब हम देखते हैं इसका फल बहुत ही कम मिलता है। इसके अनेक फल हैं, उसमें से सबसे बड़ा फल यह है कि आपकी शारीरिक व्याधियां पूरी तरह से छूट जाती है, बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि आपके अंदर अगर परमात्मा का आलोक आने वाला है, अगर आपकी आत्मा जागरूक होने वाली है, तो यह शरीर का मंदिर भी निर्मल होना पड़ता है। आप में अगर कुछ मानसिक बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती, आपकी बुद्धि भी आलोकित होकर के आप बुद्धि को प्राप्त करते हैं, विस्तम आप में जागरूक। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि आपके अंदर से आत्मा स्पंदित होने लग जाता है, आप इसको चैतन्य के रूप में अपने हाथ से बहते होते हैं। इसको लोग वाइब्रेशन कहते हैं, इसको कि सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य ने कहा है, बाइबल में से कूल ब्रीज कहा हुआ है। इसको आप जब पाते हैं तो हाथ में से ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चैतन्य की बहती है। वाइब्रेशन का आप लोग सोचते हैं कि बदन हिलना या कुछ उसमें इसी तरह का झकझोर होना, तो गलत बात है, इसको भी समझ लेना चाहिए। वाइब्रेशंस माने बिल्कुल ठंडी ठंडी बहने वाली बहुत ही शीतल ऐसी हवा, जिससे बड़ी अंदर में शीतलता आती है और बहुत ही ज्यादा आशीर्वादित भावनाएं अंदर में पुलकित होती है। ये एक वास्तविकता है, साक्षात है, एक्चुअलाइजेशन है। ये कोई झूठ बात नहीं, ये कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं, ये एक्चुअलाइजेशन है। इसमें आप वास्तविक में से पाते हैं और ये चीज आपके अंदर घटित होना एक अत्यावश्यक चीज है। अगर ये चीज घटित नहीं हुई तो मनुष्य जहां के तहां रह जाएगा, वो किसी भी तरह से उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसमें वो अपना अर्थ देखे, जिससे वो समर्थ हो जाए। अब ये आपके सामने यहाँ कुंडलिनी रखी हुई है, इसे आशा आप लोग सब देख सकते हैं, क्या आप सब लोग देख सकते हैं, इसका चित्र यहाँ बनाया हुआ है वास्तविक। अब ये कुंडलिनी आपके अंदर बसी हुई है, जो कि आपके अंदर भी अंकुर रूप आपके त्रिकोणाकार अस्थि में ट्रायंगुलर बोन में स्थित है। ये शक्ति परमात्मा ने एक अंकुर के तरह आपके अंदर स्थित की है। अब इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि ये आपकी माँ है और जन्म जन्मांतर तक ये आपके साथ रही है, और आपने आज तक जो कुछ किया, आपका जो कुछ भव है, भूत है, उसका सारा टेप इसके अंदर लिखा हुआ है, सारा माइक्रोस्कोपिक टेप इसके अंदर, आप इसको ठगा नहीं सकते। और ये नोट करती जाती है कि आपकी क्या संपदाएं हैं, आपने क्या गलतियां की, क्या अच्छाई की, क्या आप में गुण है, क्या आप में दुर्गुण है, आपकी क्या खोज है। त्रिकोणाकार अस्थि में अत्यंत पवित्र आपकी माँ है, और उसके नीचे में जो चक्र है जिसे आप देख रहे हैं, ये गणेश जी का चक्र है, या अपनी माँ गौरी, जिसको कि हम कुंडलिनी कहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए नीचे बैठे। माने जो आदमी पवित्र नहीं है वो कुंडलिनी का कार्य नहीं कर सकते, सिर्फ अत्यंत पवित्र आदमी को ही अधिकार होता है कि वो कुंडलिनी का कार्य करे। ऐसा आदमी जब भी कुंडलिनी का कार्य करता है तो नाना विध तकलीफें हो जाती हैं, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड अनधिकार चेष्टा। आप गणेश स्वरूप हो जाते हैं जिस वक्त में कुंडलिनी जागृत होती है, क्योंकि हाथ जब आपके मेरे और हैं तो बहता हुआ चैतन्य हाथ में से गुजर के और इन दोनों नारियों में से नीचे उतरता है और जाकर गणेश को खबर देता है कि अब कुंडलिनी उठ सकती है। क्योंकि कुंडलिनी वो चैतन्य है, वो स्थिति है या वो शक्ति है जो जानती है, जो प्यार करती है, जो ऑर्गेनाइज करती है और जो आपको जन्म देती है। वो आपकी जन्मदात्री है, जिसी से आपका दूसरा जन्म हो जाता है, जिससे आप द्विज हो जाते हैं। ये शक्ति अत्यंत पवित्र है, अछूती है, और इस तक कोई भी नहीं पहुंच पाता
जब तक जो आदमी इसका अधिकारी है आपके सामने खड़े ना हो जाए। जब इसका अधिकारी इसके सामने खड़े होता है तब आपके हाथों के द्वारा यह शक्ति अंदर जाती है और कुंडलिनी जागृत हो जाती है। यह अपने आप जागृत होती है, इसके लिए कोई भी मेहनत करने से जागृत नहीं होती है, क्योंकि यह जीवंत क्रिया है, यह बिल्कुल जीवंत क्रिया है। कोई सा भी जीवंत कार्य मेहनत से नहीं होता है, वो अपने आप घटित होता है। उसी प्रकार कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है, सिर्फ उसे यह पता होना चाहिए कि अपने सामने वो इंसान खड़ा है जो उसका अधिकारी है। यह कुंडलिनी उसके बाद दूसरे छह चक्रों को छेदती हुई ऊपर जाती है। उसमें से जो महत्वपूर्ण चक्र है वो नाभि चक्र है, हालांकि ये तीसरा चक्र माना जाता है, पर कुंडलिनी दूसरे चक्र को न छेदते हुए पहले तीसरे में जाती है, क्योंकि दूसरा चक्र नाभि से निकल के ऊपर घूमते रहता है। दूसरे चक्र से भी शक्ति को खींचा जाता है, उसमें से चित्त को खींचा जाता है। दूसरा जो चक्र स्वाधिष्ठान है उसमें आपका चित्त है, अटेंशन है। इस चक्र से चित्त को खींच करके कुंडलिनी अपने ऊपर छा लेती है, जैसे कि समझ लीजिए किसी कपड़े के अंदर से मेरा हाथ चला जा रहा है। आपका जो अटेंशन है, आपको आश्चर्य होगा, आपके पेट में रहता है, आपके सर में नहीं रहता है। अटेंशन आपके पेट में रहता है, लेकिन ज्ञात अपने ब्रेन से होता है। वो किस प्रकार, वो भी स्वाधिष्ठान चक्र की ही वजह से, वो बाद में बताऊंगी आपको। आज तो इतना ही बताऊंगी कि जो चित्त है उसे लेते हुए कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो हमारे कार्य करने का, आगे की बात सोचने का, विचार करने का सेंटर है, क्योंकि इसी सेंटर से हमारे पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको बदल करके और मेंदू के लिए यानी अपने ब्रेन के लिए ठीक बनाया जाता है, वो इसी केंद्र का काम है, इसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इस चक्र से हमारा ऑर्टिक प्लेक्सस नाम का प्लेक्सस, जो कि बाहर डॉक्टर लोग जानते हैं, वो चलता है। ये चक्र आजकल मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा विद्यमान है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, हर समय हम लोग सोचते रहते हैं। अति सोचने की वजह से हमारे जो दूसरे काम इस चक्र से होने के होते हैं वो निग्लेक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। वो काम इस प्रकार है कि ये चक्र लिवर के ऊपर का हिस्सा, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनी और यूट्रस सबको संभालता है। जब हम बहुत अधिक सोचते हैं तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारा एक ही चक्र है जो कि सोचने के लिए भी मेद को या फैट को बदलते रहता है, और वही चक्र है जो हमारे पैनक्रियास को भी संभालता है। इसलिए जो आदमी बहुत सोचते विचारते हैं उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी होती है। और दूसरी बीमारी जो किडनी की बीमारी है वो भी ऐसे ही लोगों को होती है जो बहुत सोचते विचारते रहते हैं। उसके और भी कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण किडनी की बीमारी का अधिक सोच विचार करना है। अधिक सोच विचार करने से लिवर भी खराब हो जाता है और यूट्रस पे भी इसका बड़ा असर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि माँ सोच विचार कैसे रोका जाए, मनुष्य हर समय सोचते ही रहता है, उसका विचार एक क्षण भर भी नहीं रुक सकता। अगर वो रुक जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो कैसे रुकता है, और आपको यही मैं दिखाऊंगी कि अभी आपके थोड़ी देर में आप एकदम देखेंगे कि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं, सारे विचार एकदम शांत। आप अंदर देखिएगा, आपको लगेगा कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, हम एकदम शांत। ये जब आज्ञा चक्र के ऊपर में है, जब कुंडलिनी वहां पे लांग जाती है तब वो घटित होता है। उसके बाद में नाभि चक्र जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभि चक्र हमारे इतना भी पाचन क्रिया वगैरह है इस पे निर्भर होता है। नाभि चक्र हमारे धर्म को मानता है, मनुष्य का भी धर्म होता है, सिर्फ उसको स्वतंत्रता है, चाहे वो अपने धर्म में रहे या न रहे, बाकी संसार की किसी भी चीज में स्वतंत्रता नहीं। जैसे कि सोना है, उसका अपना धर्म है कि वो खराब नहीं होता, बिच्छू का अपना धर्म है कि वो डंक मारता है, सांप का अपना धर्म है, शेर का अपना धर्म है, वो अपने अपने स्वधर्म में बैठे रहते हैं। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता परमात्मा ने दी हुई है, वो ये स्वतंत्र है, चाहे तो धर्म में रहे चाहे अधर्म में रहे, उसको चाहे बुराई जीतनी है तो बुराई को जीत ले और चाहे तो अच्छाई को जीत ले। ये स्वतंत्रता परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्य को क्यों दी, क्योंकि इसके पाए बगैर बसा आता बसा
एक तर उशिरा नहीं होऊन सगळ्यांना डिस्टर्ब नाही केलं पाहिजे. बसा तिकडेच बसा मागे. आप लोग दूसरों ने देखे चित्ते इधर रखे, मैं आपके कुंडली नहीं पर चित्त दियो. तीसों उशिरा ना ले इकड़े ना कपाट हुआ. सो धर्म हमारे अंदर जो स्थापित हुआ है उसके लिए हमें इसलिए परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि अगर उसके साम्राज्य में हमें जाना है तो पहले हम स्वतंत्रता में उसका वरण करें. अपनी स्वतंत्रता में ये कहें कि हमें परमात्मा चाहिए. हमारे ऊपर अगर कोई जबरदस्ती करके कहे कि हाँ परमात्मा को मांगिए, ये कौन सा मांगना हुआ और ये कौन सा इवोल्यूशन हुआ. इसलिए इस दशा में पहुंचने पर मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता में ही परम तत्व को मानना चाहिए. किसी जबरदस्ती की वजह से नहीं, किसी बीमारी की वजह से नहीं, किसी दुख की वजह से नहीं, किसी तकलीफ की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये परम पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है. इस स्वतंत्रता में जब आप जागते हैं और परम की इच्छा करते हैं तभी परमात्मा के महाद्वार आपके लिए खुलते हैं. इस धर्म के सेंटर के चारों तरफ गुरुओं का स्थान है. ये 10 गुरु हमारे अंदर बसे हुए हैं. ये मुख्य 10 गुरु हैं. ये दत्तात्रेय के अनेक अवतरण हैं. इनमें से हम कह सकते हैं शुरू से के सॉक्रेटिस अपने जमाने के, मोसेस पुराने जमाने के, इब्राहिम, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, अभी अपने जो शिरडी के साईनाथ हो गए, ये लोग सब एक ही तत्व के, ज़ोरास्टर, ये सब लोग एक ही तत्व के, एक ही व्यक्ति के, एक ही महत्ता के अवतरण है. उनमें जरा भी अंतर नहीं है. मोहम्मद साहब में और नानक में इतना सा भी अंतर नहीं. उन्होंने ही फिर से जन्म लिया क्योंकि मोहम्मद साहब ने जब देखा कि लोग इस तरह से उनके धर्म का विपर्यास कर रहे हैं और धर्म को छोड़कर गलत चीजों में पड़े जा रहे हैं, तब उन्होंने नानक साहब का जन्म लेकर के और उन्होंने उस चीज को ठीक करने की कोशिश की और दोनों में पूरी समय यही कोशिश की कि वो लोग एकता में आ जाए, उनमें यूनिटी हो जाए. पर आप जान ही रहे हैं कि उनका भी क्या हाल हो गया. स्वाधिष्ठान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और सरस्वती उनकी शक्ति है और नाभि चक्र पे श्री लक्ष्मी नारायण का स्थान है. अब लक्ष्मी जी के बारे में हमारे यहाँ बहुत ही विपरीत कल्पनाएं हैं. लक्ष्मी नारायण का स्थान जो है वही हमें धर्म के प्रति रुचि देता है. उसी के कारण हम धर्मपरायण होते हैं, उसी से हम धर्म धारणा करते हैं. यानी कार्बन में भी जो चार वैलेंसीज हैं वो भी इसी धर्म धारणा की वजह से है. और जो आप भी मनुष्य रूप हुए हैं, आपका भी जो कुछ इवोल्यूशन हुआ है वो भी इस लक्ष्मी नारायण के तत्व से ही हुआ है. यह विष्णु तत्व से ही ये कार्य होता है. और जो अपने को वैष्णव कहलाते हैं उनको जान लेना चाहिए कि जब तक उन्होंने आत्मा को पाया नहीं उनका वैष्णव धर्म अधूरा रहे. ये हमारे अंदर नाभि चक्र में बसते ही विष्णु जी ही अनेक अवतरण लेते हैं. शिव जी के अवतरण नहीं होते. ब्रह्मदेव ने एकमात्र बार अवतरण लिया था. इसके बारे में आपको कहे तो आप आश्चर्य में होंगे कि उन्होंने एक बार हजरत अली के नाम से इस संसार में अवतरण लिया. और ये सत्य है या नहीं ये आप वाइब्रेशंस पे देख सकते हैं. जिस वक्त किसी आदमी को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है तो आपको हजरत अली का नाम लेना पड़ता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी, क्योंकि उनका ही अवतरण वहां पर बैठा हुआ है और उन्हीं का नाम लेने से डायबिटीज की बीमारी ठीक होती है. सहयोग में हमने 100% डायबिटीज ठीक किया है, 100%. और अब यह है कि डॉक्टर लोग तो इनक्यूरेबल कहेंगे, क्या वो किसी से हजरत अली का नाम थोड़ी लेने के लिए कह सकते. वो तो उस चीज को अंडर करंट्स को जानते ही नहीं है जिसके कारण हमारे जो प्लेक्सस है वो चलते. वो तो सिर्फ जो बाह्य में, जड़ में, ग्रोस में दिखाई देता है उससे जानते. सिर्फ मरण से ही आप अपने अंडर करंट्स को जान सकते हैं. और जिन गुरुओं ने इसको जाना है वो जानते हैं कि हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड में स्वाधिष्ठान का जो स्थान है वहां पर आपको हजरत अली और फातिमा का नाम लेना पड़ता है. नाभि चक्र में जो विष्णु लक्ष्मी का स्थान है, इन्होंने आप जानते हैं कि 10 अवतार लिए हैं, उसमें से 9 ले चुके, अभी 10वां आने वाला है. 9 अवतरण में से उनके अधिकतर अवतार हमारे इवोल्यूशनरी है. माने पहले वो मछली के रूप में आए. आप जानते हैं कि जीव पहले समुद्र में हुआ था, उसके बाद मछली से वो कछुआ बन गए. और इस प्रकार ये इवोल्यूशनरी जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो लक्ष्मी नारायण के इवोल्यूशनरी स्टेजेस के द्योतक हैं. वो सब हमारे अंदर बने हुए हैं. जो जो आज तक संसार में होता है वो सारी हिस्ट्री हर एक मानव में बनी है. और मानव इसलिए सबसे ऊंचा है क्योंकि इसकी दशा सबसे ऊंची.
बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो मनुष्य में बहुत ही निम्न स्थिति में है। माने आप अब समझ सकते हैं कि नाभि के चारों तरफ जो भवसागर फैला है उसमें से जानवर निकल नहीं पाया, मानव सिर्फ निकल पाया है। जबकि हमारे यहाँ वामन अवतार हुआ, उसके बाद परशुराम जी का अवतार हुआ, उसके बाद श्री राम का अवतार हुआ। श्री राम का अवतरण जो इससे ऊपर का चक्र है इसे हम हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र के राइट साइड में, बीचों बीच में नहीं है, क्योंकि बीच बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है जिससे आपका एवोल्यूशन होता है उस सुषुम्ना नाड़ी पर उनको इसलिए नहीं रखा क्योंकि रामचंद्र जी ने अपने को अवतार नहीं माना था। उन्होंने अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके और अपने को इस बीच के इवोल्यूशनरी या इसके उत्क्रांति के पद से हटाकर अपने को अलग कर लिया। वो अपने राइट साइड में रहते हैं, या आपके पिता का स्थान है या आप में जो पितृत्व है उसका स्थान है। अगर किसी आदमी ने आप किसी अपने पिता को सताया या तंग किया, तकलीफ दी हो, तो ये चक्र पकड़ता है। अब डॉक्टर लोग इसे मानते नहीं, इस चक्र पकड़ने से भी लोगों को ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत जोरों में श्वास चलने लग जाता है और किसी भी तरह से श्वास नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि माता जी ये तो इनक्योरेबल है, सालों से हमको ये बीमारी। ये पितृत्व का स्थान बदलने बिगड़ जाने के अनेक कारण होते हैं। जैसे आपके पिताजी की मृत्यु बहुत अर्ली हो गई, बड़ी सूक्ष्म चीज है। अब आपके पिता की अगर मृत्यु अलग अर्ली हो गई है, बहुत ऐसी उम्र में हो गई जब आप बहुत ही छोटे उम्र के थे, तो उनको आपकी फिक्र लगी रहती। कोई मरता नहीं ये तो बात आप जानते ही हैं, उनका जीवात्मा तब आपके आसपास मंडराते रहता है, उसके कारण भी आपका यह राइट हार्ट पकड़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोगों की मैंने इस तरह से बीमारियां ठीक की है कि उनसे कहा कि अच्छा आप अपने पिता से कह दीजिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बेफिक्र हो जाइए और हमारी फिक्र छोड़िए और आप फिर से जन्म लीजिए। इसी बात पर ये बात कहने से ही उनका ये चक्र छूट गया और उनकी एक बीमारी जो कि उनको सालों से चल रही थी, एक साहब को तो 25 साल से ये बीमारी थी और उनकी बीमारी ये बात कहने से ही छूट गई। उनको बड़ा आश्चर्य कि माने 5 मिनट में हमको क्यों अच्छा करें। अगर आप इसके अंडर करंट समझ लें तो बीमारी ठीक करना कोई विशेष चीज नहीं होती। अब ये चक्र खराब हो जाने से मनुष्य को ये ध्यान में लाना चाहिए कि हो सकता है कि आप पिता में भी आपने कोई दोष हो, कि कुछ तो होते हैं अपने बच्चों से बहुत दुष्टता का व्यवहार करते हैं और बच्चों को बुरी तरह से देखते हैं, उनका ख्याल नहीं करते, उनका पितृत्व तो खराब होता है, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। मनुष्य सिर्फ शरीर मात्र नहीं, वो शरीर भी है, वो मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है और आत्मा भी है। यह सारी चीज मनुष्य है। जब तक पूरी चीज को आप समझे ना, उसका संतुलन आप समझे ना, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि यह बीमारी किस लिए। उसके राइट साइड में आप देख रहे हैं कि हार्ट का ऑर्गन, लेफ्ट साइड में हार्ट का ऑर्गन। हार्ट के ऑर्गन में हृदय स्वयं हृदय का जो स्थान है, हृदय आत्मा होता है, इसमें आत्मा का स्थान है। आत्मा आपके हृदय में विराजमान है, यही आपका साक्षी है, यही क्षेत्रज्ञ है, यह आपके बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन ये आपके कॉन्शियसनेस में नहीं, माने ये कि आप ये तो जानते हैं कि कोई आपको जान रहा है लेकिन आप उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते, वो आपके अंदर से स्पंदित नहीं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहने के लिए होगा कि आपकी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम आपके काबू में नहीं, उसको लोग ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, माने यह कि स्वयं चालित है। लेकिन यह स्वयं क्या है, यह स्वयं कौन है? कौन आपके हृदय की गति को कम करता है? कौन आपके धड़कते हुए छाती को धीमा कर देता है? कौन आपके पेट में पचन क्रिया करता है? ये जो स्वयं है वो स्वयं ही आत्मा है और वो आत्मा हमारे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम से। लेकिन ये आत्मा हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, माने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता है। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाते ही अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, जैसे हृदय का विकार है। आजकल हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई। लेकिन हार्ट अटैक क्यों आता है? मैंने कहा आपसे कि अपने अंदर हृदय में आत्मा का स्थान है, शिव का स्थान है। शिव माने आत्मा जहां विराजते हैं वो शिव है। जब आदमी का ध्यान अपने आत्मा से हटकर अपने संसारिक कार्यों में बहुत लगता है, जो आदमी बहुत जरूरत से ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत मेहनत करता है, वो सोचता पता नहीं वही एक दुनिया में एक चक्रधारी मिला हुआ है, वो सारे दुनिया भर का लोड अपने सर पे लेकर के घूमता है, उसकी ये लेफ्ट साइड कमजोर हो जाती है, उसका हार्ट कमजोर हो जाता है, उसका आत्मा क्षीण हो जाता है और जब शिव उनसे गुस्सा हो जाते हैं हार्ट अटैक आता है। नेचर का भी एक बड़ा भारी बैलेंसिंग प्रोसेस है। अगर आदमी जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, उसके शरीर को बहुत दौड़ा रहा है, उसकी जो राइट साइड है जो पिंगला नाड़ी है उससे बहुत कार्यान्वित है, तो उस वक्त परमात्मा ही ये व्यवस्था करते हैं कि उसका काम कुछ कम कर, उसको हार्ट अटैक इसलिए आता है। जो आदमी बहुत ज्यादा कार्य में संलग्न होता है उसका ईगो बढ़ते जाता है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं
ईड़ा नाड़ी से ये कार्य होता है कि आपका ईगो बढ़ते 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 एकदम बड़ा सा बपूरा यहाँ बन जाता है, फिर उसको होश नहीं रहता। वो सोचता है आगे साहब आए थे वो मेरे सामने ऐसे ऐसे काट काट रहे थे, उनको पार्किंसन से। मैंने कहा आपका परमात्मा में विश्वास है? कहे मेरा तो विश्वास है, मैंने आपको किसने बनाया, ये सारी सृष्टि किसने बनाई? बड़े आसानी से मनुष्य कहता कि हमारा तो परमात्मा में विश्वास है। ये बहुत ही बड़ी अहंकारी बात है। जो मनुष्य इस तरह से सोचता है उसको पार्किंसन की बीमारी होनी चाहिए, और होती है। अधिकतर हमने देखा नास्तिक लोगों को अधिकतर हमने देखा है कि पार्किंसन की बीमारी। वजह यह है कि उनका आत्मा क्षीण हो जाता है और थर 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 कांपने लगता है। मतलब यह है कि समझ लीजिए आप इस हॉल में बैठे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह हॉल में बैठे हुए हैं और इस हॉल का बोझा कम करने के लिए आप अगर कुछ कुर्सियां सर पे उठा लें इसका बोझा कम हो जाएगा, तो आपको लोग क्या कहेंगे? या अगर आप किसी एरोप्लेन से जा रहे हैं और उसमें सोचे कि इस एरोप्लेन का बोझा उतारने के लिए हम कुछ चीज अपने सर पे रखें, उसी प्रकार आप अपने सर पे बेकार के बोझे उठाएं। सबका करने वाला परमात्मा है, एक पत्ती भी उनके कहे बगैर नहीं। ये बात सही है या नहीं है ये सिवाय आत्म साक्षात्कार के आप जान रहे। आपको लगेगा माता जी यूं ही कह रहे, आपको आश्चर्य होगा कि उसकी शक्ति कितनी डायनामिक है, कितनी सूक्ष्म है, कितनी गहन है और कितनी प्रेममय। उसको जानने के लिए पहले उसके साम्राज्य में तो आना चाहिए। जब तक आप हिंदुस्तानी में नहीं आए, जब तक आप हिंदुस्तान के सिटीजन ही नहीं हो, आप क्या जानिएगा कि हिंदुस्तान के नागरिकों का क्या अधिकार है? और होकर भी अगर आपकी गवर्नमेंट बेकार हुई तो वो भी आप नहीं जानते। लेकिन इससे ज्यादा एफिशिएंट गवर्नमेंट तो कोई है नहीं जो परमात्मा की। इतनी सुंदर इतनी अनुपम उनकी गवर्नमेंट है कि उसमें सिर्फ आपको आना ही मात्र है। आप आते ही आपका जिस प्रकार स्वागत होता है, और जैसे ही सारी ही सामूहिक शक्तियां जिसके वजह से आप न जाने कितने लोगों को पार कर सकते हैं, न जाने कितने लोगों को ठीक कर सकते हैं, और न जाने कब तक आप अपने चैन की बंसी बजा सकते हैं, इसका कोई भी अंदाज नहीं है। आपके कार्य इस तरह से सुगठित होते रहते हैं। सारे जितने भी चिरंजीव हैं, जितने भी आज तक वर्णित बड़े बड़े एंजल्स हैं, जैसे कि हम हनुमान और भैरवनाथ आदि सब लोगों को कहते हैं, गणेश जी हैं, इन सब की आपको सहायता रहे और आपके कार्य इतने सुगठित बनते रहते हैं कि आप कभी कृष्ण योगियों से बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी एक रुपया भी नहीं कमा सकता था वो भी बहुत रुपया कमाने लगता है। लेकिन कोई भी सहयोग में बहुत नहीं होता, अति जो होते हैं वो बहुत गड़बड़ है। कोई अगर अति विद्वान हो पार नहीं होता, कोई अगर अति श्रीमंत हो तो पार नहीं होगा, वो कोई अति राजकारणी हो वो पार नहीं होगा, क्योंकि अति में आपकी गति या दो साइड के जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें घूमती है, और जब आप उससे भी अति कर जाते हैं तो उससे भी बाहर चले जाते हैं। और कुंडलिनी जो है ये बीचों बीच चलती है, कुंडलिनी से ही वो सोपान वो ब्रिज बन जाता है जिससे कि आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर ऊपर चढ़ते हैं। जब तक आप बीचों बीच रहें, मनुष्य को बीचों बीच रहना चाहिए, मध्य मार्ग में रहना चाहिए। कोई सी भी अतिशयता करने से आपको हमेशा पश्चाताप होगा, आप फ्रस्ट्रेट करेंगे, आप दुखी होंगे, आप पागल भी हो सकते। किसी भी अति पर उतरने की जरूरत नहीं, पर आप बीचों बीच हैं तो आपके लिए आत्म साक्षात्कार पाना बहुत ही आसान है। आप अगर सर्वसामान्य हैं तो उसमें कोई भी हर्ज, लेकिन अगर आप अति में हैं या कोई बड़े ही आप सक्सेसफुल आदमी हैं तो हम उनको नमस्कार करते हैं कि आप सक्सेसफुल इसमें हुए हैं उसमें नहीं। मनुष्य को बीचों बीच होना चाहिए, उसकी सारी कुछ गति जो है वो बीच में होनी चाहिए। अब जो बीच में हृदय चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लेना चाहिए। इस चक्र में जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा जब हमारे अंदर ही जाती है, जब वो सुप्त हो जाती है, तब हमारे अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, धड़कन होने लग जाती है। आप जानते हैं जरा से भी हम इनसिक्योर हो जाते हैं तो धड़कन हो जाने लगती है। इस जगदम्बा के स्थान में जब खराबी आ जाती है, जब औरतों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बीमारी हो जाती है। ये जो कुछ भी हम अतिशयता करते हैं इस सारी अतिशयता की वजह से ही कैंसर की बीमारी होती है। अगर मनुष्य मध्य में रहेगा तो उसको कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। दोनों भी जो ये नाड़ियां ईड़ा और पिंगला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको अतिचालन करने से ओवर एक्टिविटीज की करने से ही कैंसर की बीमारी घटित होती है। अगर मनुष्य मध्य में रहे और सारा परमात्मा पे छोड़ करके कार्यान्वित रहे तो उसको कभी भी कैंसर की बीमारी नहीं होगी। कैंसर की बीमारी सहयोग से ही ठीक होगी और किसी से ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि सहयोग से ही आप अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं और अपनी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बीचों बीच है, जो इन दोनों सिस्टम को प्लावित करती है, मैंने लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर आप इस तरह से बनाए तो लेफ्ट और राइट, और इनकी जो गति है इस तरह से चलती रहती, इसके बीच में चक्र है और उसके अंदर देवता है। ये जब बहुत ज्यादा चलने लग जाते हैं तो ये हट जाते हैं। जब ये दोनों हट जाते हैं तो आर्बिट्ररी हो जाती है, आई एम ऑन माई ओन। जब आर्बिट्ररी हो गए
जब अलग हो गए, जब अपने ही ऊपर सब ले लिया, तब वो जैसा चाहे वैसा बढ़ने लग जाते हैं। ये मैलिग्नेंसी आदमी के अंदर आ जाती है। ये मैलिग्नेंसी आने की वजह से ही मनुष्य में कैंसर की बीमारी हो जाती है। अगर इसके अंदर कोई किसी तरह से मनुष्य चैतन्य दे दे तो फिर से वो स्थिति सापकता हो जाएगी, वही फिर से जैसे कि वैसे हो सकता है। और फिर से उसके अंदर अगर देवता आप जागरूक कर दें तो ये बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। आज ही हमारे पास एक कैंसर के मरीज आए थे, उनके एक साइड तो उन्होंने डॉक्टरों ने खत्म ही कर दी थी, क्योंकि डॉक्टरों के पास तो सिर्फ ये कार्ड डालो, फिर उसके बाद ये कार्ड डालो, फिर नाक कार्ड डालो, आंख निकाल डालो, सर निकाल डालो, और फिर पता नहीं क्या करते रहे। ये कोई कैंसर को ठीक करने का तरीका नहीं। आज ही आए तो एक दिन के अंदर उनके अंदर फर्क आया। अब आप कहेंगे कि माए कैसे होता, बिल्कुल सीधी चीज, इतनी कठिन बात है ही नहीं, क्योंकि ये लोग मशीनरी जानते नहीं है। बगैर जाने में मशीनरी बाहर से आप फुटुर फुटुर करते रहिए तो और खराबी किसकी बात करिएगा। मशीनरी को अगर कहा जाए डॉक्टरों से कि आप इसे समझे, इसे आप जाने ये चीज क्या है, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे लिस्ट दीजिए उन लोगों की जिनको आपने ठीक किया। अब क्या मैं ये बनाते रहूँ यहाँ, कोई मैं फाइल रखती हूँ? जो भी आता है वो गंगा के किनारे आ जाए तो ठीक है, उसे क्या मतलब, ये तो प्यार का खेल है, इसमें कोई हम पैसा थोड़ी बनाने बैठे। लेकिन पैसा बनाने वाले लोग इस चीज को कभी ना समझेंगे और ना ही समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें आप पैसा नहीं बना। ये चीज बह रही है, चैतन्य बहते रहते हैं, प्यार बहते रहता है, देते ही रहते हैं, देते इसी में आनंद आता है। और जब ये अंदर जाता है तो यह कार्यान्वित होता है। ये सारी सृष्टि ही इस प्रेम और चैतन्य से चल रही है, ये सारी सृष्टि ही परमात्मा की इस अनुकंपा और उनकी क्षमाशीलता से चल रही है। नहीं तो हम लोगों ने इतनी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं कि हम लोगों को वास्तविक परमात्मा से बड़े ही अनुग्रहित होना चाहिए, उनको बहुत ही ज्यादा हमको मानना चाहिए कि उन्होंने हमको हमेशा माना है। यहाँ तक कि कितने लोग हैं उनको परमात्मा के लिए समय, बहुत ही कम लोग हैं जो परमात्मा को मानते भी हैं या उनके ऊपर कुछ चित्त भी। ये बीज के चक्र पकड़ने की वजह से मनुष्य में जो बीमारियां होती है उसमें से सबसे बड़ी बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। जिन औरतों को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाए, जिनके जीवन में ऐसा लगे कि उनके पति किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आजकल तो इस मामले में आप आदमियों से कह भी नहीं सकते और औरतें भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि पवित्रता जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है और पवित्रता ही अपना भेद है। जिस आदमी में पवित्रता नहीं है वो संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। वो अगर कुछ भी करता है उसके मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि अरे था तो क्या था, वो ऐसा गंदा आदमी। उसके बाद भी उसके बारे में लोग किताबें छापते हैं, उसके बारे में लोग बताते हैं होंगे बड़े भारी होंगे, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी होंगी, ये क्या है। लेकिन आदमी चल रहा था कभी भी सामूहिक तरह से ऐसे आदमी को संसार में लोगों ने महत्ता नहीं दी और न माना है। इससे ऊपर का जो चक्र है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्य के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य ने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली तभी यह चक्र पूरी तरह से प्रकाशित हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ। यह चक्र है विराट का, यह चक्र है श्री कृष्ण। विराट का मतलब यह है कि जब मनुष्य ने गर्दन उठाई तब उसने जाना कि मैं एक बड़े भारी विराट का एक अंग प्रत्यंग, एक प्राइमोडियल बीइंग का मैं एक माइक्रोकोज्म हूँ। वो अगर माइक्रोकोज्म है तो मैं उसका माइक्रोकोज्म, उसके अंदर बसा हुआ मैं एक मांसपेशियों का एक टुकड़ा हूँ, जो एक विराट, जो एक सागर है, उस सागर के अंदर मैं बूंद हूँ। ये इस चक्र के गति से हुआ, यह श्री कृष्ण के अवतरण में माने 6000 वर्ष पूरे घटित हुआ है। और इसीलिए मनुष्य उस विराट के बारे में सोचने लगा, उस परमात्मा के बारे में सोचने लगा जिसमें उसे अंतर्हित होना है, जिसमें उसे समाना है। जब आप उसमें समा जाते हैं और जब यह बूंद सागर हो जाता है तो सागर की सारी शक्तियां ही उसमें से चलायमान होती है और वो स्वयं देखता है कि वो एक सामूहिक चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जागृत होता है। यह नहीं कि हम लेक्चर दें कि आप सब भाई बहन हैं, इससे कोई अर्थ नहीं होता, पर उसके बाद आप हो ही जाते। जैसे कि आप शरीर के अंग प्रत्यंग है, समझ लीजिए हम आपकी बीमारी का ठीक करते हैं, मतलब हमारे हाथ से ये घटना हो जाती है तो इसमें हमारा क्या, क्योंकि आप हमारे का शरीर अंग प्रत्यंग है। समझ लीजिए हमारी उंगली को चोट है तो अगर हम उसे ठीक कर रहे हैं तो इसमें कोई आपके ऊपर उपकार कर रहे, ये तो हम अपनी उंगली ही को ठीक कर रहे हैं। जब लोग चैरिटी नाम के विचार से कोई कार्य करते हैं, उसका परमात्मा से संबंध रखते हैं, तब उनकी कुंडली में जागरूक नहीं। जितने भी फिलान्थ्रोपिक लोग हैं हमने देखे, बड़े बड़े मिशन वाले, बड़े बड़े ये लोग, इनकी कुंडली जागरूक नहीं होती क्योंकि बड़े भारी गलत फैमिली में हम बैठे हो। ठीक है आपको किसी गरीब की मदद करना है, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कोई रो रहा है, वो जो हिस्सा क्योंकि गरीब आपको लग रहा है वो आपके अंदर आपकी प्रॉस्पेरिटी को चैलेंज कर रहा है, इसलिए आप उस गरीब की मदद कर रहे हैं। अगर आप तंदुरुस्त हैं और आप किसी बीमार की तीमारदारी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आपकी तंदुरुस्ती में भी कोई ऐसी चीज है जो आपको खींच रही है कि उस बीमार की सेवा करें। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम बड़े चैरिटेबल हैं, ये बहुत ही अहंकार की बात है। जो इंसान अपने को ये समझता है कि मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा सुख है, ये मेरा आनंद है,
इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज काट रही है, मुझे दुख दे रही है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जो आदमी इस तरह से सोच के इस कार्य में रहता है उसकी कुंडलिनी बहुत आसानी से जागृत होती है। इसलिए हमने देखा कि इसका संबंध परमात्मा से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये आपकी अपनी निजी चीज है, क्योंकि आपके अंदर ये संवेदना है और आप इसे कर रहे हैं इसलिए घटित हो रहा है। यह कोई मैं परमा बहुत से लोग इसका मिशन बनाए हैं भगवान से संबंध जोड़े हुए, वास्तविक भगवान से संबंध सिर्फ आत्मा से ही होता है। जितने भी लोग परमात्मा का काम कर रहे हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा का काम सिर्फ एक है और वो ये है कि मनुष्य का संबंध परमात्मा से जोड़ना, आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, मनुष्य का संबंध आत्मा से जोड़ के आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, यही एकमात्र कार्य है जो परमात्मा के नाम में करना चाहिए। और बाकी जितने भी कार्य हैं वो लौकिक है। क्या कंबल इकट्ठे करना, कंबल बांट रहे, किसी के कपड़े इकट्ठे करना, कपड़े बांट रहे, ये कार्य परमात्मा का नहीं, ये सारा लौकिक कार्य है, मटीरियल कार्य है, इसका परमात्मा से कोई भी संबंध नहीं। इस चक्र में, विशुद्धि चक्र में 16,000 नाड़ियां होती है। आप सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण चक्र, आपकी 16,000 नाड़ियां इस चक्र से चलती हैं। जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप इस चक्र को ही बताते हैं। आप एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि 16,000 नाड़ियों से चक्र परमात्मा चलता है। और ये जो तंबाकू है ये इंसेक्टिसाइड है, इसको इंसेक्ट्स को मारने के लिए परमात्मा ने बनाया, कि उसके लिए भी तो कुछ बनाना होता है। अब मूर्ख मनुष्य अगर उसको सिगरेट बनाकर पिए तो अब क्या कहा जाए, इतनी सुंदर चीज बनाई, इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज है, उसको आप क्यों खराब किए दे रहे हैं, अपने पीछे डंडा लेकर क्यों लगे हैं कि आप बैल मुझको मार, उसके लिए पैसा भी दो। आप जानते नहीं कि सिगरेट पीने से कितना अधिक नुकसान अंदर हो जाता है, आपको इसका अंदाज ही नहीं। लोग कहते हैं इससे कैंसर हो जाता है, सिर्फ कैंसर ही हो जाए तो बात दूसरी, पर आपका पुनर्जन्म होने का भी पूरा चांस खत्म हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो ये चक्र बहुत बुरी तरह से पकड़ता है। लेकिन सहयोग में सभी चीज पता नहीं कैसे क्षमा हो जाती है। अगर आप सिगरेट भी पीना है तो भी आप पार हो जाएंगे। एक साथ बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे सिंगापुर में, उनको वो पार हो गए। जब पार हो तो उनके अंदर से खूब धुआं निकला और उसके बाद बहुत सुगंध। उसके बाद जब भी वो सिगरेट पीने जाते थे उनको सुगंध आती थी, फिर उन्होंने सिगरेट पीना ही छोड़ दिया और वो अपने आप छोड़ दिया। पर वैसे भी सिगरेट या शराब ये दोनों ही चीज मनुष्य इसलिए पीता है कि वो अपने से ही भागना चाहता है। एक ये पलायन है, अपने से भागना, अपने को मनुष्य देखना नहीं चाहता है, क्योंकि अपना जो इतना सुंदर है वो तो सारा बंद है, वो तो जाना नहीं। जब वो अपने को जान लेता है तब उसको इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि अपने ही मजे में बैठा रहता है, उसको टेम्पटेशन ही नहीं होता है। वो जब इतना मधुर स्वाद अंदर आने लग जाता है तो मनुष्य उसको अपने आप ही छोड़ देता है। इसीलिए सहयोग में कोई भी प्रीचिंग नहीं होती है, कोई भी डोंट्स नहीं होते हैं, अपने आप ये घटना घटित होती है। हमारे लंदन में आप पाश्चर्य गए, ऐसे 300 लोग हैं जो कि बुरी तरह से ड्रग लेते थे, शराब तो छोड़ ही दीजिए, सिगरेट तो छोड़ ही दीजिए, ड्रग के एडिक्ट थे, और उन्होंने सब ने पार होने के बाद अपने आप सब चीज छोड़ी, बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ी। पर एक बात फर्क है कि हमारे हिंदुस्तान में जो लोग हैं योग भूमि में पैदा हुए, उनके ऊपर बहुत से वरदान अपने आप आ गए। यह पूर्व जन्म की संपदाओं की वजह से आप इस योग भूमि में पैदा हुए हैं और इसीलिए आप धार्मिक भी बहुत हैं, और उस मामले में आप इनोसेंट भी बहुत हैं, बहुत आपके अंदर गुण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप में जो दोष बहुत बड़ा है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी महत्ता आप में जरा भी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन में मेरे प्रोग्राम में हर हफ्ते होता है, इतनी भीड़ रहती है कि मेरे पास जगह नहीं रहती, और इससे बड़ा ही हॉल होगा, इससे छोटा नहीं होगा। और लोग इस तरह से लगन से लगे हुए हैं कि एक बार पार होने के बाद में सारा देवी महात्मा उन्होंने पढ़ डाला, सारा उन्होंने आदि शंकराचार्य को पढ़ डाला, उन्होंने सारा बाइबल में ढूंढ निकाला कि कुंडलिनी कहाँ है क्या, और सब उसको निकाल करके आज भी आप सोचे कि 300 आदमी इंडिया आने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए वो आ नहीं पाए। तो भी 15-20 आदमी वहाँ से खुद अपना खर्चा करके आए, और हर एक जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ सहयोग तो कैसे कार्यान्वित है उसे देखते। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ग्रामों में हजारों लोग खटाखट पार हो जाते हैं, लेकिन आपके बम्बई शहर में तो बहुत ही कमाल है कि यहाँ लोग पार होते भी हैं फिर। यहाँ का सहयोग सबसे धीरा और सबसे धीमा और सबसे ही छोटा रह जाता है, न जाने क्यों। कल भी मैंने कहा था कि 9 साल से मैं यहीं पे बकरे जिद्दन मनाती हूँ, हालांकि दिल्ली में बहुत काम हुआ, यहाँ से कितने ही ज्यादा लोग वहाँ पार हो गए, वहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन बम्बई शहर के लोग मेरे ख्याल से इतने इनर्शिया में बैठे हों, पैसे की ऐसी पकड़ उनके ऊपर बैठी हुई है, न जाने या तो इस पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना आ गया है कि यहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल से जमते हैं, सहयोग में पाना आसान है जमना मुश्किल है। आप लोग हिंदुस्तानी लोग बहुत जल्दी पार हो जा सकते हैं, बहुत जल्दी होते भी हैं, और एक भी परदेशी होगा उसमें 8-8 दिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो पार होता है तो मुझे लगता है कि कुछ फायदा होगा, क्योंकि जमने वाली चीज़ है। और हिंदुस्तानी हजारों भी हो जाए तो भी व्यर्थ है, क्योंकि इनको कोई भी किसी चीज़ की कदर है ही नहीं, अपनी ही जिन्हें कदर नहीं है उनसे फिर क्या कहा जाए। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहती हूँ
कि आज आप घर पार हो भी जाए आप इसे पालें तो आगे से बढ़ाएं। हमारा यहाँ सेंटर है, हमेशा हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कृपया उसमें आप लोग सम्मिलित हों। और ऐसा है कि लोगों को जब तक आप बड़ा भारी हॉल न रिजर्व करें, जब तक आप बड़ी शानदार चीज़ न हो, लोगों में इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं कि वो सादी जगह जाना नहीं चाहते। ये बड़ी दुख की बात है, अपने को पाने के लिए लोग जंगलों में जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं। अब आपके घर में ही अगर गंगा बहकर आई है तो उसका वरण करना चाहिए, अपना सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए कि कितनी अलभ्य चीज़ हमें मिली है, अमूल्य चीज़ मिली है, इतनी सूक्ष्म चीज़ें इसे बढ़ाना चाहिए। बात बात में ये चीज़ खोना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के खोने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन जो चीज़ पाई हुई है वो आपने अनंत की तपस्या से पाई हुई, उसे खो करके यही कहा जाएगा कि अब आपके लिए कौन सा स्थान बना है। न तो आप नर्क में जा सकते हैं, न स्वर्ग में जा सकते हैं। आपके लिए कोई भी स्थान परमात्मा को समझ में नहीं आएगा कि ऐसे अकलमंद लोगों के लिए कौन सा स्थान बनाया जाए। इसलिए आपसे कृपया विनंती है कि आप आज अगर इसको पा भी लें तो इसको आगे बढ़ाएं। हमारा सेंटर है, आप यहाँ से किताब ले जाएं और ये लोग आपको समझा देंगे वहाँ पर, और उसको समझ लें पूरी तरह से, इसमें गतिमान हो और आप सेंटर में ज़रूर जाया करें और वहाँ अपनी प्रगति करें। ये विशुद्धि चक्र की बात है। जब कुंडलिनी विशुद्धि चक्र को लांग जाती है तो आज्ञा चक्र पर आ जाती है। आज्ञा चक्र जो है ये हमारे ऑप्टिक थैलेमस जो जहाँ पर क्रॉस करते हैं उसके सेंटर में बराबर एक बड़ा सूक्ष्म सेंटर है। इससे हमारा पिट्यूटरी और पीनियल दोनों ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं और इसी से हमारी आंख पर भी असर आती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व भी वहाँ से गुजरती है। जिसका आज्ञा चक्र जहाँ पर कि मेरा सिंदूर लगा हुआ है ये खराब हो जाता है उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है। पागल आदमी का यह आज्ञा चक्र खराब हो जाता है। यह आज्ञा चक्र खराब होने से आदमी बहुत अहंकार भी हो सकता है या एकदम से उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गिर भी जा सकती है। जब यह चक्र पीछे की तरफ खराब होता है तब वो आदमी जिसे हम सुपर ईगो का इन्फेक्शन कहते हैं, यानी ऐसे ऐसे बीमारियों से प्लावित होता है जिसमें कि उसे लिथार्जी आ जाती है और सोते ही रहता है, हर समय रोते ही रहता है और एक बीमार सा घूमते रहता है, उसे कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। इस तरह के जिनको हम पजेशन कहते हैं वो आते हैं। और जब सामने का चक्र पकड़ता है तब ऐसा आदमी बड़ा ही महत्वाकांक्षी हो जाता है और अनेक तरह के कार्य करने लग जाता है और अपने मद में किसे नहीं मानता और उसे लगता है कि मैं ही दुनिया में सब कुछ हूँ। इस तरह से ये चक्र संतुलन को तोड़ देता है। यह चक्र जो है यहाँ पे गणेश जी का ही अवतरण ईसा मसीह का। अब ईसा मसीह जो हमारे देवी महात्म में महाविष्णु का वर्णन है, आप लोग शायद पढ़े हो, कुछ तो पढ़े ही होंगे जरूर, तो वो महाविष्णु का जो वर्णन है वो बिल्कुल ईसा मसीह से मिलता है और वो गणेश जी से किस तरह से महाविष्णु तत्व बनाया गया उसको पढ़ने लायक है। अगर आप पढ़ें तो आपको पता होगा मैं जो कह रही हूँ एक एक बात सही है। इस चक्र को जब कुंडलिनी लांग जाती है तब आप निर्विचार हो जाते हैं, एकदम निर्विचार हो जाते हैं। आप अपने तरफ अगर चित्त दें तो आपके अंदर कोई भी विचार नहीं आ रहा। अधिकतर लोगों का ये होगा कि आप बिल्कुल साइलेंस में बैठे और आप अवेयर हैं, थॉटलेस अवेयरनेस आ जाती है। ये पहली निर्विचार समाधि जिसे कहते हैं वो घटना घटित हो जाती है। इसी घटना के साथ आपको आश्चर्य होगा कि आप किसी की भी कुंडली नहीं उठा सकते, अभी आप पार नहीं, अभी आपके अंदर से वाइब्रेशन नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप थॉटलेस अवेयरनेस में चले गए तो ही आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप किसी की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं और थोड़ी बहुत कुंडली भी उठा सकते हैं, लेकिन आप पार नहीं करा सकते। लेकिन जब ये कुंडलिनी इसे छेद देती है, जो कि संस्कार हमारे 1000 नाड़ियों से बंधा हुआ जो ये संस्कार है जिसे लिम्बिक एरिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, उसको छेद करके इस तालु से जब कुंडलिनी निकलती है तब वो अति सूक्ष्म सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाती है। उस वक्त आदमी में एकदम से सामूहिक चेतना आ जाती है और उसके हाथ से हृदय का स्पंदन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सदाशिव का स्थान है वो हमारे सर पे और वही शिव हमारे हृदय में बसते हैं। जैसे ही वहाँ प्रकाश हो जाता है वैसे ही हृदय से आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर से बहने लग जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल कर लेते हैं। एकदम आपको लगता है कि ऊपर वेंटिलेशन से भी ठंडी ठंडी हवा चलने आ रही और हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है। ये चक्र का टूटना बहुत जरूरी है। जब तक ये चक्र नहीं टूटता, जब तक आपके संस्कार की कुंडलिनी नहीं छेदती, तब तक आप पार नहीं। अब इसके लिए आप कहें कि माँ हम क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी कड़ी बात आपसे नहीं कहना चाहते, इतना ही कहेंगे कि बेटा ये चक्र खराब है, ये चक्र खराब है और वो ठीक हो सकता है। आपको इससे आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि हमने ये गलती की या हमने वो बुराई की, ये पाप किया है, कुछ नहीं, ये सब चीज़ टूट जाती है क्योंकि पाप पुण्य भी आप अपने ईगो से करते हैं। पर ईगो और सुपर ईगो दोनों इस तरह से हट जाए तो फिर आप दूसरे ही हो जाते हैं। आप जो थे वो अब रहते नहीं, आप वो हो जाते हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं। आप आत्मा के आँख से देखने लग जाते हैं। जब तक आप पानी में हैं तब तक आपको डूबने का डर रहता है, जैसे ही आपको हमने बोट में रख दिया आप पानी की ओर देखते रहते हैं। लेकिन इस बीच की जो स्थिति होती है कि जब तक आप ऊपर चढ़ जाए और पूरी तरह से स्थिर हो जाए, यही स्थिति जरा नाजुक होती है। इसीलिए सहज योग के लिए मैंने कहा है कि पाने के बाद भी आपको थोड़ा सा स्थिर होना पड़ता है। सहज योग में एक विशेष रूप से चीज़ होती है कि पहले दिन बहुत जोर की कुंडलिनी का अनुभव होता है, बहुत लोगों को होता है, पहले दिन इतना जोर का होता है कि वो आश्चर्य में हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर कुंडलिनी जाती है क्योंकि आपके अंदर जो कुंडलिनी है वो हमें पहचानती है
और उन्माद से, आवेग से और खुशी के मारे वो उछल पड़ती है और बाहर आ जाती है और आपको अनुभव हो जाता है। लेकिन इस अनुभव की स्थिरता इसलिए नहीं टिकती क्योंकि आपके अंदर अनेक दोष है, जैसे कि बाढ़ आकर के नदी आगे बढ़ जाए लेकिन उसके अंदर से गड्ढे वगैरह जो हो वो फिर बाद में भरने लग जाते। उसी प्रकार कुंडलिनी जाकर आपके अनेक जो रोग हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, उसको सबको भरते रहे। लेकिन एक बार यह अनुभव होने के बाद होता नहीं है, थोड़ा उसको संजोना पड़ता है। जैसे कि बीज फल भी जाए उस बीज को बहुत संजोना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। अब आप सोचिए कि बीज का अंकुर इतने सघन जमीन के अंदर से किस तरह से फूट कर निकलता है, लेकिन जब बाहर आता है तब उसको बहुत संभालना पड़ता है। उसी प्रकार कि आपको भी अपनी रियलाइजेशन को बहुत संभालना पड़ता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप पाएं और इसका आनंद आप उठाएं। आज भी आपके मुंबई शहर में मैं कहूँगी हजारों लोग हैं जिन्होंने इसे पाया है और उसके आनंद में मुझे कभी कुछ मिल भी जाते हैं, कुछ चिट्ठी भी लिखते हैं, लेकिन आप भी इसे पा करके और संतुष्ट। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने लोगों के हाथ में ठंडा आया है।